सकते हैं सर? चलिए प्लीज संग्राम सर, जानना चाहूंगा आज जो है संवेद योगा और केएमजी फिल्म्स का कोलैबोरेशन है, क्या कहना चाहेंगे संवेद योगा के तरीके से, योगा क्या है बताइए, क्योंकि आप एथलीट रह चुके हैं, सक्सेसफुल एंटरटेनर रह चुके हैं, आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है योगा का? देखिए सच बताऊं तो जैसे योगा हम बचपन से करते हुए आते हैं, जैसे मैंने गुरुकुल में पढ़ा, बाकी गांव से आया, रेस्लिंग की काफ़ी चीज़ें होती हैं, मगर देखो योग है ना, एक योग एक ऐसी चीज़ है, योग का वैसे मतलब का जोड़ना, अगर इंसान करता है योग तो मैं कह रहा हूँ कि वो एंटी एजिंग हो जाता है। और जब से मैंने काफ़ी किया प्राणायाम के योग किया, मगर जब से मैं मिला शम से तो प्राणायाम है योग बड़ा अच्छा है सगर बगर, मतलब उसका कितना है कि अब क्या बताऊँ कि जब से मैं करने लग गया हूँ तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरा वैसे BMI तो बहुत कम है, अराउंड 14 ईयर है, कोई मेरे से उम्र पूछता है तो मैंने कहा भैया शायद यही है, मतलब गाँव में तो आप जानते हैं कि भैया बारिश आ रही थी, खेल रही थी, रात का टाइम था, एग्जैक्टली तो है नहीं, मगर मैं कह रहा हूँ कि सबको योगा करना चाहिए। और जो एक कोलेब्रेशन हुआ है जो भी आपने बताया कि देखिए जब अच्छे इंसान जुड़ते तो आगे जाते हैं, इंसान कोई गलत नहीं होता, अच्छे इंसान तो मैं आगे लगे जाता है, और जो इंसान थोड़ा सा ऊपर नीचे रह जाता है उससे हम सीख लेते हैं। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि जो कोलैबोरेशन हुआ है यहाँ पे होगा, आप भी करो, हम भी आगे करें, और ये फिर ढेर सारा आगे जाए तो देखिए ढेर सारे इंसान स्वस्थ हो फिट हो। तो ये जानना चाहूँगा कि जो भी नए लोग आते हैं मतलब यहाँ पे आर्टिस्ट बनने के लिए, एक बॉडी बिल्डिंग उनका होता है फैशन की, सलमान जैसे बॉडी में चाहिए, क्या कहेंगे बॉडी बिल्डिंग और योगा ये दोनों में अगर प्रेफरेंस देना चाहिए तो किसे देना चाहिए और क्यों देना चाहिए? देखिए मैं एक वीडियो बनाने वाला था, मैं कई जगह जाता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ डिफरेंट डिफरेंट से। देखिए फिट वर्सेस हेल्दी, फिटनेस क्या होती है कि सिक्स पैक होना, जीरो साइज बनाना, बड़ी बड़ी मसल बनाना, इंसान फिट नहीं होता, और योगा कोई मुकाबला है ही नहीं। देखो एक नॉर्मली कहते थे नॉर्मली वर्कआउट से योगा बड़ा, योगा से प्राणायाम, प्राणायाम से बड़ा मेडिटेशन, और सबसे बड़ा जो गुरु जी कहते मैं कहता हूँ वो है समाधि साधना। तो एक फिटनेस कई बार ऐसा देखता है कि मैंने देखता हूँ कि जो ढेर सारे मेरे दोस्त हैं बहुत फिट हैं, मतलब सिक्स पैक हैं उनके दिख रहे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ बीमारी रहती है, जैसे दीवार गिरने वाली डिस्टर्ब कर देती है, चमकती रहेगी कि भैया दीवार बिल्कुल नहीं है। वो जो हेल्दी है वो डिफरेंट है, जैसे मैं हम दूध पीते हैं, घी खाते हैं, नौकरी करते हैं, जो हेल्दी इंसान है ना 90 साल तक बूढ़ा हो ही नहीं सकता, जो 90 साल तक बूढ़ा है दवाई ले रहा है तो वो हेल्दी नहीं है, वो फिट है। जैसे आजकल मैं अटेंड देख रहा हूँ कि भैया देखिए सलमान खान है, बाकी वो है, तो ये भी इंस्पायर करते हैं कि भैया इतनी एक 60 साल के इंसान, 55-60 साल के वो इतने फिट हैं, या अपने आप को इतना मेंटेन किया है, मैं हमेशा पॉजिटिवली देखता हूँ, तो वो भी इंस्पायरिंग है कि इस उम्र में वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। मगर मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि नेचर से जुड़े रहो, अगर नेचर से आप जुड़ गए ना तो आप योगा भी करोगे, सब कुछ करोगे, जिनकी बजाय बाकी चीज़ों की बजाय आप योग करो, प्राणायाम करो, भागो दौड़ो। जैसे मैं एक बार एक क्लास में चला गया सूर्य कुंड के बाद, तो वहाँ पे वो बेले डांस कर रहे थे, तो मैंने देखा कि मैं तो आके किसी प्रोग्राम में था, गेस्ट था, मैंने कहा कि कितना अच्छा है, बताओ अपने नहा धो के करते रहो, फुल एसी चल रहा है, सारी लाइटिंग है, वो कितना अच्छा है। फिर पता चला कि वो सिर्फ दिखने में अच्छे लग रहे थे, वो एक्चुअली फिट थे, क्योंकि हमेशा एसी में रहना, हमेशा साफ सफाई में रहना नेचर है, हम लोग धूल मिट्टी से योगा से दूर रहेंगे तो उतने परफेक्टली हेल्दी नहीं रहेंगे, भले दिखने में फिट हो जाए। गुरु जी आपसे चाहूँगा कि आज कोलैबोरेशन हुआ संवत योगा और TMGC पुनादी के जो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है, क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, और आपको संग्राम सर से बेहतर कोई ऑप्शन पूछ नहीं सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी इन्होंने कामयाबी हासिल की, एंटरटेनमेंट में भी की, तो क्या कहना चाहेंगे बेसिकली, कितनी खुशी मिल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तो एक योगी आदमी हूँ, तपस्वी आदमी हूँ, लेकिन जब संग्राम जी जैसे लोगों से मिलता हूँ और तो मेरा जोश जो है वो दोगुना हो जाता है, क्योंकि भारतवर्ष की जो सोई हुई सभ्यता थी, तो हमारे गुरु प्रभु श्री श्री 1008 रामानंद शास्त्री जी ने यह विद्या मुझे प्रदान की और बोले कि बेटा आने वाले समाज को बहुत ज़रूरत है, तो आज मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि योग विद्या तो प्राचीन काल से ही सर्वमान्य, अगर किसी चीज़ में दम नहीं होता है तो वह चीज़ निकल जाती है, आज भी अगर यह विद्या आई है जनमानस के सामने तो इसका मतलब निश्चित ही यह है कि इस विद्या में दम है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि न तो श्रेष्ठम योग्यम बलम, यानी योग बल के समान कोई श्रेष्ठ बल नहीं है, योग तो कर्म कौशल, यानी आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, योग करने से उसमें उसको कुशलता प्राप्त होगी, उसको और एनर्जी मिलेगी, उसका ब्रेन पावर बढ़ेगा, फिजिकल पावर बढ़ेगा, लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, तो योग तो हर फील्ड के लिए, इसीलिए
गीता मतलब गीता का जो उपदेश दिया था लड़ाई के मैदान में तंदुरुस्ती की बात की, नहीं तो इतना बड़ा इनसिक्योरिटी और लड़ाई वार जिसको बोलते हैं उसमें ये योग की बात है, तो निश्चित ही मानव समाज के लिए और गृहस्थों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम योग नहीं करेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और इन जैसे श्रेष्ठ लोगों का अगर सानिध्य मिलता है तो यह विद्या निश्चित ही मानव समाज आलिंगन करेगी, उसका अपनाएगी, जिससे मानव समाज जो होगा स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा और सफल होगा। तो इस प्रयास में मैं कि भारत जो है, कहते हैं मेरा एक नारा है कि परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, और समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा, राष्ट्र स्वस्थ होगा तो इस राष्ट्र के कल्याण के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। संग्राम जी मेरा साथ दे रहे हैं कि यह विद्या आए और पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व में फैले तो लोग समृद्ध बने, मजबूत। गुरु जी ये भी जानना चाहूंगा आपको कि कुणाल जी का जो विजन है इसको लेकर आपके साथ कोलैबोरेट किया है, ज्यादातर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं फिल्म्स के तौर पे, वेब सीरीज या और मीडियम पे, तो ये इनका विजन जो इनकी सोच है उसके बारे में बताइए, कितना अच्छा विजन है। बहुत अच्छा विजन है क्योंकि एंटरटेनमेंट भी तो जीवन का एक हिस्सा है। अगर आदमी को प्रकृति ने भी हमको एंटरटेनमेंट के बहुत साधन दिए, इस पे ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो कुणाल जी तो नाम ही है इनका कुणाल, अब इस शब्द की विवेचना पे जाऊँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो नाम भी बहुत व्यापक है और अच्छा है। तो योग भगवान शिव जो है, जो नृत्य विद्या है उन्होंने ही दिया था, तो इंटरटेनमेंट है, नृत्य से भी काफी कुछ होता है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ योग है तो वहाँ सब कुछ है, पर जीवन ही एक योग है। अगर जीवन में अच्छा खाना खाना है तो स्वस्थ रहना, इंटरटेनमेंट है तो आंखें स्वस्थ होनी चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तो हर चीज करने के लिए तो स्वस्थ रहना होगा, मजे करने के लिए भी तो हमें स्वस्थ रहना होगा ना। तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मजा करने के लिए, आनंद आए के लिए, तो योग तो करना ही होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को ये इंटरटेन करेंगे और हम उसके लाइव बनाएंगे कि लोग इंटरटेन हो सके। गुरु जी ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग वेबसाइट तौर पे इसको चला रहे हैं योगा संस्था के द्वारा, या अभी बाबा रामदेव जी को देख लीजिए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया इसके बल पे, तो एक तरह से समाज सेवा ही कह सकते हैं इसको, योगा सिखाना, योगा को प्रेरित करना। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से देखते हैं, अगर उसको बढ़ावा देना है तो आप क्या कॉमर्शियल इसको रखना चाहते हैं वेबसाइट, या इसको एक समाज सेवा के तौर पर अपनाना चाहेंगे? अब सबके मत अलग अलग हैं, अब इसकी ज्यादा मैं विवेचना करूंगा तो बड़ा ये हो जाएगा, तो जी जी ये बताएं तो ज्यादा अच्छा है। कई सरकारों ने ऑफर किया कि आप जाके जमीन ले लो, स्टेडियम बना लो, आप वहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी खोल दो, आप ये सब कर लो। देखो मैंने एक दूसरे की कोशिश की कि चलो मैंने बना दिया, अगर जब बना दिया अगर उसको ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फिर वो चल नहीं सकते। इसमें क्या है कि जहाँ पे भी रहेंगे अगर उसका थोड़ा सा उसकी अहमियत रखेंगे, कुछ चार्ज रखेंगे नॉमिनल, मतलब जो भी इसका चार्ज है, हाँ, तो क्या है कि वो उसकी हम उसकी महत्वता को हम समझेंगे कि भैया कितना फ़ायदा है, कितनी चीज़ें हैं, और अगर मेहनत फिर कितने दिन करवाएंगे, इनको भी अपना घर चलाना है, रोज़ रोटी खानी है, सारी चीज़ करनी है। अब कोविड वैसे ही हम सबको थोड़ा सा बैकफुट पे ले गया सब पूरे वर्ल्ड वाइड। तो ये है कि मेरे हिसाब से कुछ तो कमर्शल कुणाल जी ने, गुरु जी ने कुछ तो फाइंड आउट किया होगा कि तो रखना चाहिए, क्योंकि तो बगैर कमर्शल के कोई, देखो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हालांकि मैंने तो 21 सालों में डॉक्टर के पास जाता नहीं, तो डॉक्टर दवाई देता 2000 रुपये की, चलो भी लेते हम है ना, डॉक्टर से ठीक नहीं होते हम, 2000 रुपये से ठीक होते, और देखते हैं इंग्लैंड से आया भैया डिग्री ये पढ़ के उससे आया तो ठीक है मुझसे होते हैं। तो ऐसे ही कितना अगर फ्री में सिखा दिया तो कुछ भी कर लो वो इतना काम नहीं करता। ये भी जानना चाहूँगा सर कि स्पोर्ट्स के तौर पर आप इतने स्पोर्ट्स में कामयाब हुए हैं, बड़े कंपटीशन में आपने दिलाया पदक, योगा को स्पोर्ट्स के तौर पर अपनाना चाहिए कि नहीं हमारे देश में? अब तो देखिए रिसेंटली मैं तो बहुत छोटा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, क्योंकि इंडियन तो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन भी हैं, अब योगा को एक ऑफिशियली स्पोर्ट्स कर दिया, उसका नेशनल होगा, उसे मेडल आएंगे, उनमें जॉब मिलेगी और वो इंटरनेशनली परफॉर्म करेंगे। पहले से परफॉर्म करते थे वो इंडिपेंडेंट जाते थे, जैसे कोई अपना बाहर कोई कॉम्पिटिशन खेल गया, दूसरा खेल गया, अब उनको मान्यता मिल गई है, और मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है। देखिए जैसे रामदेव जी, जो बाबा रामदेव जी बात कर रहे थे, उन्होंने योगा को तो पहुँचाया, अगर अब कमर्शल किया ये किया वो तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, मगर ये बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में योगा का बहुत महत्व है। गुरु जी आपसे जानना चाहूँगा कि शिक्षा के तौर पर आपको क्या लगता है कि अपनाना चाहिए इसको, कोर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि जीवन पे प्रभाव पड़े, अभी वो काफ़ी कम उम्र से अगर ये सब्जेक्ट बने स्कूल या कॉलेज में तो क्या करना चाहेंगे? जी 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 मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि समाज इसको शिक्षा से तो ही हम अच्छे से इसको समाज अपना पाएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भविष्य होते हैं देश के,
अगर बच्चे मजबूत हो गए शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, तो हमारा देश जो होगा बहुत सशक्त होगा और मजबूत होगा। मेरा प्रमुख उद्देश्य यही है कि भारतवर्ष की युवा पीढ़ी और बच्चे सशक्त हो गए तो हमारा मिशन जो है, हमारी जो प्रेरणा है वो सफल हो जाएगी। इसके लिए मैं ये मिशन लेके चल रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये मेरा मेन मकसद है कि बच्चे जरूरत जरूर इस चीज़ को मैं बच्चे लोगों पे ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि टीवी किया आपने, उसमें कामयाब हुआ, फिल्म भी किया, ये ओटीटी मीडियम जैसे कुणाल जी का ओटीटी मीडियम है, इससे कितने प्रभावित हैं आपको, क्या लगता है ये भविष्य है, और आपको अगर कुछ ऑफर मिले, क्या प्रोजेक्ट, किस तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, नो डाउट आजकल तो जो कुछ चल रहा है ओटीटी चल रहा है, आजकल टीवी शट हो गया मोस्टली जो नॉर्मली है, मैं देख रहा हूँ। अब मुझे मौका मिला, मैंने ढेर सारे शोज किए हैं, थोड़ा बहुत कुछ रेसलिंग की है, तो जो कुणाल जी ओटीटी लेके आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छी पहल है, मगर ओटीटी में है ना कुछ वो लेके आए जो मीनिंगफुल है। अब तक जितना मैं, मुझे सबसे वन ऑफ द बेस्ट सीरीज लगी, एक सीरीज आई थी स्कैम, तो मतलब कुछ ऐसी चीज लेके आए जिससे कुछ मिले कि इंस्पायर और सीखने को मिले, ना कि जैसे मतलब एक दो प्लेटफॉर्म है किसी का नाम तो मैं अच्छा बोलता हूँ, कि वो ऐसी चीज लेके आएगी जिसमें कुछ सीखने को मिले। ओटीटी में देखो सेंसर नहीं है, कुछ नहीं है, मगर एक उसका पॉजिटिव तरीके से फायदा उठाएं, और मैं कह रहा हूँ कि कोई अच्छी चीज आएगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, डेफिनेटली काम करेंगे जब यहाँ पे आए तो उसे कुछ बेहतर करेगा। तो और क्या भी आज के हालात में मतलब इसकी बात करते हैं तो मेंटली कितना इंपॉर्टेंट है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हेल्थ है ना, आपने सही क्वेश्चन पूछा है कि आप कितना ही बाहर का मंगा के पानी पी लो, कितने विटामिन खा लो, मिनरल खा लो, प्रोटीन खा लो, कुछ कर लो, जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है ना, अगर आपने उसे डील नहीं है, यू आर नॉट हेल्दी, यू आर नॉट परफेक्ट। तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि देखो, जिंदगी बहुत छोटी है, हम सबको जाना चाहिए, सुपरस्टार है, प्राइम मिनिस्टर है, आप हैं, हम हैं, तो उसको हर पल इंजॉय करो, हर पल वो सोचो। मैं कह रहा हूँ, अगर आपने ये पल नहीं जिया ना, वो कल अगला पल जी नहीं सकते आप। और मैं कह रहा हूँ, कोई किसी का कुछ नहीं करता भैया, वो सुपरस्टार है, करेगा दूसरा करेगा, करने वाला मालिक होता है, बस हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क के आगे सफलता तो खड़ी हो जाती है। सच बता रहा हूँ, बस हर पल जियो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, तो वो मेंटली तनाव कम होगा। हम है ना अपने ऊपर ढेर सारा भार लाद देते हैं कि हमें तो ये करना है और हमें वो करना है, और हमारा भरोसा तो है नहीं, अब हम यहाँ बैठे छत गिर जाए, पता कि नेक्स्ट हमें ब्रेथ आएगा या नहीं आएगा। तो एक दिन में जियो, और मैं कह रहा हूँ कि मेंटली उसे दूर रहोगे, योगा से, प्राणायाम से, ये उसी से संभव है। सर, मैं ये पूछना चाहता था कि ऐसे हम बहुत बार सोचते हैं कि योगा स्टार्ट करना है या फिर हेल्दी रहना है, फिट रहना है, कल जाऊंगा एक्सरसाइज करूंगा, ना देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, और वो टलते ही जाते हैं। आपकी तरफ से क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस तरह का सोचते हैं कि कल परसों एंडिंग करते हैं, हाँ निकल जाते हैं, पहले साल ही रह जाते हैं, कल कभी नहीं आता। आजकल हम देख रहे हैं जो ढेर सारे फिट दिखने वाले इंसान, उनको हार्ट अटैक आ रहा है, जैसे रेमो जी को आया, गांगुली साहब को आया, बाकी उनको आया। देखिए, वो तो गांगुली जी तेल की ऐड कर रहे थे कि मतलब जो हार्ट का ऑयल है, मतलब कुछ है मुझे पता नहीं। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि भैया लाइफ को है ना, ये अब पता हम क्या करते हैं शहरी, जो ढेर सारे बच्चे करते हैं, ये बात मैं ये आप सबके लिए बता रहा हूँ कि भाई एक बर्गर है उसमें कितनी कैलोरी, 500 खा लिया, अच्छा ट्रेडमिल पे गया 700 निकाल दिया, भैया 1000 कर दिया, 500 कम हो गई। हमारी बॉडी है ना मेडिकल साइंस के हिसाब से नहीं चलती, हमारा शरीर चलता है नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से। बहुत बहुत इसको हम कोशिश करते हैं कि भैया हमने ये पी लिया, चाहिए जूस कितना, इसमें इतना फैट इतना भरे, वो सब लिखने वाले तो मेरे जैसे अनपढ़ आदमी, पढ़े लिखे आदमी नहीं है, तो मेरे जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें इतना विटामिन है, इतना फाइबर है। मैं कह रहा हूँ भैया सूखी रोटी प्याज खा लो, उसमें इतने विटामिन है, तो फाइव स्टार खाने मिलेंगे, नेचर से जुड़े रहो, खुश रहो, वही है।